अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। एज़ यू नो डैट दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ विलेज लाइफ के कुछ लम्हात शेयर करूँगा, एक्सप्लोर करूँ। आज का सीन कुछ ये है कि मैं इस वक्त आ चुका हूँ डेरे पे, और ये व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो ये है कि खेतों में आज प्याज की फसल जो है वो लगने जा रही है। तो आपको ये व्लॉग देखने का एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्याज किस तरह लगती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, वट एवर। सो जो भी है इसका वो आपको मुकम्मल बताएंगे। और इसके बाद जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी ये व्लॉग काफ़ी अहमियत का हामिल है। उनको भी आइडिया हो जाएगा कि प्याज जो है वो किस तरह लगता है, इस पर क्या कॉस्ट आती है, और बहुत से फैक्ट्स हैं जो बताए जा सकते हैं। तो आपने ये व्लॉग पूरा देखना। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई आना। वालेकुम सलाम। ये मज़दूर जो हैं वो कन को उपार रहे हैं ज़मीन से, और जब इस पनीरी को ज़मीन से उपारा जाता है तो इसे धूप में रख दिया जाता है ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो हटाई जा सके। क्यारियों में बीज लगाने का, पनीरी लगाने का तरीकाकार ये होता है। सबसे पहले ये प्रोसेस ये होता है कि बीज लगाया जाता है, छोटी छोटी क्यारियाँ बना कर इस फार्म में, और अप्रॉक्सीमेटली ये जो है ना 1 मंथ के करीब टाइम लेता है तैयार होने में। और ये इसके साथ बाड़ लगाई हुई है, जाली टाइप। इसका ये फ़ायदा होता है कोई जानवर वगैरह इधर पनीरी को ख़राब नहीं करता। तो इसके बाद ये प्रोसेस है इसका, इसको जो है ना वो ज़मीन से अलहदा करने के बाद इस तरह रखा जाता है, और दैन इसको यहाँ से ये जो मिट्टी है इसको झाड़ा जाता है। मिट्टी झाड़ने के बाद इसको जो है इस तरह मच्छियों की फार्म में बांध दिया जाता है, और फिर इसको जो है वो पैली में लगाने के लिए भेज दिया जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है सिंपली। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्याज के लिए खालियाँ बनाने का, यानी जिस पर प्याज का बूटा पनीरी लगेगी। और ये मशीनरी है जिसकी मदद से प्याज़ों के लिए खालियाँ बनाई जाती हैं, और इस मशीनरी को अमूमन पंजाबी ज़बान में जो है ना वो हल्दर बोला जाता है। अब प्याज की पनीरी जो है वो इन मज़दूर लोगों को दी जाती है, और ये तकरीबन 5 से 6 इंच के फासले पर एक एक बूटा लगाते हैं, और एक एकड़ में तकरीबन 65 के करीब खेले होती हैं। और इस तरह खेतों में प्याज की पनीरी लगाई जाती है जिस तरह ये भाई लगा रहे हैं। मंगू थोड़ी संग नहीं ला। और अब तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं, और अब एक एकड़ में अल्हम्दुलिल्लाह प्याज लग चुकी हैं, और प्याज़ों को अब जो है ना वो पानी लगा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं प्याज लगी हुई, और इनको जो है ना एक बैलेंस के हिसाब से पानी लगाया जाता है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये थी आज की एक्टिविटी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।